नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन सीकल कॉर्न्यूटम के बारे में, जो कि महिलाओं में बहुत अच्छा काम करती है। और साथ ही जानेंगे कि मसल स्पाज़म या मसल कंट्रैक्शंस, या अगर आपके फेस वगैरह पे आप लोगों को ट्विचिंग महसूस होती हो, ऐसी कंडीशन में हम सीकल कॉर्न्यूटम का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नींद की शिकायत हो तब आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं कि सीकल कॉर्न्यूटम जो है वो किस तरीके से और कहां कहां काम करती है, क्या सिम्टम्स आने पर उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो जो लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती हो और बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो, खा लेने पर भूख ना मिटती हो और पानी पी लेने पर प्यास ना बुझती हो, ऐसे लोगों को जो है सीकल कॉर्न्यूटम दे के ठीक किया जा सकता है। अगर फेस के ऊपर आप लोगों के मसल्स जो हैं वो उनके अंदर ट्विचिंग हो रही हो, यानी कि उनके अंदर जर्क्स आ रहे हो, कंट्रैक्शंस हो रही हो, तब जो है आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को अब्डोमिनल मसल्स में भी सेम प्रॉब्लम आ रही हो, यानी कि वो ऐसे फड़फड़ाती हूँ मसल्स में, जब आपको ऐसे लगे ना वो फड़फड़ा रही हैं, तब जो है हम सीकल कॉर्न्यूटम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों के बाल जो हैं वो झड़ना शुरू हो गए हों, हेयर की फॉलिंग हो रही हो, और साथ ही आप लोगों के बाल जो हैं वो ड्राई हो रहे हों, ड्राइनेस ज़्यादा आ रही हो, और बालों का कलर वाइट हो रहा हो, यानी कि ग्रे हेयर्स आ रहे हों, तब आप सीकल कॉर्न्यूटम का इस्तेमाल करके अपनी हेयर की समस्याओं से भी राहत पा सकते हैं। अगर आपकी आंखें जो हैं वो अंदर की तरफ चली गई हैं, वो धस गई हैं, आई संकन हो गई हैं, और उनके बाहर का जो एरिया है वो पूरा ब्लू हो चुका हो, और साथ ही आपकी जो आंखें हैं वो डायलेट कर गई हो, ऐसी सिचुएशन में हम सीकल कॉर्न्यूटम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ की जो फेशियल मसल्स हैं उनमें ट्विचिंग हो रही हो, साथ ही कुछ स्पॉट्स जो हैं वो आ गए हों, कुछ धब्बे आपके मुंह के ऊपर पड़ गए हों, ऐसी कंडीशन में सीकल कॉर्न्यूटम का यूज़ करके हम इन धब्बों को हटा सकते हैं। और अगर हम अपनी टंग की बात करें तो अगर टंग के ऊपर कोटिंग आ रही हो और टंग की टिप के ऊपर कोई अलग सी सेंसेशन महसूस होती हो, तब भी आप सीकल कॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप लोगों को वॉमिटिंग आ रही है, वॉमिटिंग के साथ आप लोगों को ब्लड आ रहा है, जो हल्का फुल्का ब्लड कई बार वॉमिटिंग में आता है, ऐसी सिचुएशन में भी सीकल कॉर का यूज़ किया जा सकता है। अगर पेट में, स्टमक के अंदर या फिर एब्डोमेन के अंदर आप लोगों को ऐसे पेन्स हो रहे हों जो ऐसा महसूस करवाते हों जैसे आपको जलन हो रही हो, तब जो है आप सीकल कॉर का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही आप लोगों को भूख प्यास ज़्यादा लग रही हो, तब जो है आप सीकल कॉर लेकर अपनी भूख को और प्यास को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोगों को जो स्टूल्स हैं वो ऑलिव ग्रीन कलर के आते हों, आपको कॉलरा जैसा फील होता हो और उनके अंदर से स्मेल आती हो, प्यूट्रिड स्मेल आ रही हो, और स्टूल्स बहुत पतले हों, यानी कि आपका मोशन जो है वो बिल्कुल लूज हो जाए, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोगों को डकारें आती हों जिनमें कि एक बदबू आती हो, साथ में बैड ऑडर हो, तब आप सीकल कॉर का यूज़ कर सकते हैं। इन सभी परेशानियों के साथ अगर ओल्ड एज के अंदर जाके एन्यूरेसिस की शिकायत हो जाए, यानी कि आप लोगों का पेशाब जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाए और अपने आप से निकलना शुरू हो जाए, तब सीकल कॉर का यूज़ किया जा सकता है। और जिन लोगों को ड्राई गैंग्रीन हुआ हो वो भी इसका इस्तेमाल करके अपने गैंग्रीन को ठीक कर सकते हैं। आइए अब जानेंगे कि फीमेल्स की कौन कौन से सिम्टम्स में हम सीकल कॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फीमेल्स के अंदर अगर मेंसेस के दौरान कॉलिक होता हो, यानी कि पेन होता हो, तब जो है हम सीकल कॉर का यूज़ करते हैं। पेन के साथ अगर लुकोरिया की बात करें तो यूट्रस के अंदर भी बर्निंग सेंसेशन होती हो और आप लोगों को पेन महसूस होता हो, और साथ ही लुकोरिया का कलर जो है वो ब्राउनिश हो जाए, ऐसी कंडीशन में हम सीकल कॉर देकर पेशेंट का लुकोरिया ठीक कर सकते हैं।
और अगर मेंसेस की बात करें तो जिनके मेंसेस डार्क कलर के आते हों और बहुत ज़्यादा आते हों और इरेगुलर होते हों, ऐसे लोगों को हम, ऐसी फीमेल्स को सीकल कोर देते हैं। और अगर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो आपका डिस्चार्ज होता है, जिसे कि हम लोकिया बोलते हैं, अगर वो भी डार्क कलर का आ रहा है तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। महिलाओं के अंदर इन प्रॉब्लम्स के साथ अगर यूरिन जो है वो सप्रेस हो जाए, यानी कि यूरिन जो है उसका पता ना लगे कि आपका ब्लैडर आपका फिल हो चुका है और आपका प्रेशर बन रहा है, प्रेशर कम बने तब भी हम सीकल कोर दे सकते हैं। और जिन लोगों को नींद की परेशानी हो रही हो वो लोग भी सीकल कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को अनिद्रा की परेशानी है, यानी कि इंसोमनिया है, वो रेस्टलेसनेस की वजह से है या फिर कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं जिनसे आपको डर लगता हो, एंग्जियस सपने जो आपको घबराहट पैदा करते हो, ऐसी कंडीशन में आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग ड्रग्स का यूज़ करते हैं या फिर साथ ही अल्कोहल जो है उसका इस्तेमाल करते हो, उनमें अगर नींद की प्रॉब्लम होने, इंसोमनिया होता हो, तब जो है आप सीकल कोर दे के उनकी नींद को ठीक कर सकते हैं। अगर इसकी डोसेज की बात करें तो डोसेज जो है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकती है। किसी पेशेंट को कितनी डोज दी जाती है, किसी को कितनी, उसकी बीमारी को देख के कि उसको बीमारी कितनी है, इसके अंदर जो है अलग अलग तरीके के डाइल्यूशंस आते हैं, अलग अलग पोटेंसीज के डाइल्यूशन आते हैं। मदर टिंक्चर के फॉर्म में भी आती है जो कि लिक्विड में ही डिस्पेंस किया जाता है, और साथ ही जो है इसका पाउडर या टेबलेट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं आप लोगों की कंडीशन देख के। और अगर आप लोगों को कोई भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। और अगर आप हमसे कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज ड्रॉप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।